1984 बैच के आईपीएस अधिकारी और झारखंड के डीजीपी डीके पांडे शुक्रवार को रिटायर हो गए। इनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन डोरंडा के जैप वन ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर सबसे पहले अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 25 फरवरी 2015 को 1984 बैच के आईपीएस डीके पांडे ने राज्य के 11वें डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। इस मौके पर डीजीपी डीके पांडे ने कहा कि 4 साल का कार्यकाल झारखंड में काफ़ी अच्छा रहा। कुल 35 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आज तक जनता की सेवा करता आया हूँ और आगे भी जनता की सेवा करने का इच्छुक हूँ। डीजीपी ने पुलिस वालों को नसीहत देते हुए कहा कि वे संपन्न और जवाबदेही से कार्य करें ताकि समाज में पुलिस की छवि बेहतर हो सके। का संकल्प झारखंड राज्य नक्सलवाद मुक्त बने, उग्रवाद मुक्त बने, झारखंड के पुलिस में झारखंड की बेटियों को समग्र सशक्त स्थान मिले, झारखंड के सभी जिले इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में आए, PCR में आए, पुलिस 100 में आए, पुलिस जनता के करीब पहुँचे, जो थानों में पहुँच करके उनको दौड़ने की समस्या है वो ऑनलाइन आ जाए, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रयास झारखंड पुलिस के लिए किए जा रहे हैं। उसमें कुछ में सफलता मिली है, कुछ अभी आगे बाकी है उसको करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो भविष्य में झारखंड पुलिस पूरा करेगी, उग्रवाद मुक्त झारखंड बनेगा।